अब देखिए नेक्स्ट अपना है टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स क्या है, ये भी एक एब्यूज ड्रग है। इसकी बात करें तो बहुत लोग इसको चबाने के रूप में यूज करते हैं, बहुत लोग इसके पत्ती को खाने के यूज में करते हैं, उसके अलावा सिगरेट और सिगार बीड़ी ये सारी चीज़ में इसका यूज करते हैं। बहुत लोग इसको हुक्का के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे हुक्का पीने के यूज में करते हैं। तो ये भी क्या है, एक ड्रग एब्यूजेज है। बात करें टोबैको की तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हमारे हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। बात करें कैंसर हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, माउथ कैंसर हो जाता है, माउथ अल्सरेशन हो जाता है। इन तो टोबैको प्रोडक्ट से इन सारे प्रॉब्लमों से झेलना पड़ता है इंसान को, ठीक है। उसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट से बहुत लोग उसके पत्तियों का एक्सट्रैक्ट करके वो बहुत सारे चिलम या क्या क्या बना के पीते रहते हैं। तो टोबैको प्रोडक्ट जो है मेनली टू फॉर्म्स में होते हैं, जो इसका पहला फॉर्म्स होता है ये स्मोकिंग के लिए, दूसरा होता है जो स्मोकिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। तो जो स्मोकिंग के लिए यूज करते हैं ये सिगरेट है, सिगार है, बीड़ी है, क्रिकेट्स है। उसके अलावा जो स्मोकलेस है, जैसे बात करें तंबाकू, उसके अलावा उसके पत्तियों के एक्सट्रैक्ट करके खाना, तो ये सारे भी हैं जिसमें स्मोक के रूप में हम यूज करते हैं, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, चिरूट्स है, छुट्टा है, उसके अलावा धूमती है, पाइप है, हुकलीज है, चीलम है, हुक्का है, पान मसाला है, पान भी टोबैको है, टोबैको भी एरिका नॉट है, मावा है, खैनी है, चेविंग टोबैको है। तो ये सारे क्या हैं, टोबैको के बहुत सारे मतलब अलग अलग वैरायटी से लोग इसको यूज करते हैं, और ये भी एक तरह से हमें क्या है मिस एब्यूज के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। इससे हमारे बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, अल्सरेशन होता है, कैंसर होता है, आँखों की रोशनी चली जाती है, इंडाइजेशन होता है, और सीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बात करें दिमागी रूप से भी आदमी को सडेशन कॉज करता है, ठीक है। उसके अलावा अल्कोहल है। नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, और बात करें तो सबसे ज़्यादा इसको यूज इसका जो यूज करते हैं एडल्ट एज में लोग यूज करते हैं। अगर एक लिमिट मात्रा में अल्कोहल का लोग यूज करते हैं, जैसे बात करें 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक वन डे में, तो ये आपके लिए क्या है यूजफुल है। बट अगर ज़्यादातर आप यूज करोगे तो इससे क्या होता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और दिमाग आदमी का काम नहीं करता है। इसके साथ साथ अगर आदमी ज़्यादा इसको पी लेने पे इसको सोडेशन कॉज होगा, अनकॉन्शियस होगा, कोमा में जाएगा, और लास्टली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल का इफेक्ट क्या क्या है हमारे बॉडी पे। पहला चीज कि हमारे हेल्थ जो होगा वो खराब होगा, और उसके अलावा जो बाहर के लोग होंगे वो भी सही से हमसे बात नहीं करेंगे। उसके अलावा ये हमारे बॉडी के आर्गन को इफेक्ट करेगा, और जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मृत्यु दर को बढ़ा देगा। पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 1.8 मिलियन लोग पर ईयर जो है शराब पीने से डेथ होती है उनकी। अब सोसाइटी की बात करें तो जो व्यक्ति अगर जितने भी नारकोटिक्स ड्रग मिस यूज कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं, या अल्कोहल या फिर कोई भी ऐसा ड्रिंक ले रहे हैं, तो सोसाइटी से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला चीज़ कि उनकी शादी होने में दिक्कत होती है, क्योंकि गांव में लोग या शहर में लोग जो है जो लोग ड्रिंक करते हैं उनसे शादी करना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद बच्चे उनसे दूर रहते हैं, और जो ड्रग जो मतलब जो दारू पीता है या शराब पीता है, ड्रिंक करता है, तो उसका क्या होता है, बिहेवियर ऐसा लगता है क्रिमिनल जैसे दिखने लगता है। उसके अलावा उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, और फैमिली पे इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरे मतलब इसके साथ साथ फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ता है, और लास्ट में क्या होता है, इससे पहले उसका लीवर, किडनी और बॉडी के ऑर्गन्स में क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब बात करें जो व्यक्ति नशे करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, या फिर जितने भी नारकोटिक्स ड्रग का यूज करते हैं, तो उससे क्या उनके ऑक्यूपेशन मतलब उनके व्यवसाय पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो मतलब सबसे पहले उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो पुअर हो जाएगा। उसके बाद से वो डेली अपने जॉब वर्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से जो उनके जितने जानने वाले होंगे उनसे पुअर रिलेशनशिप हो जाएगा, और नौकरी भी उनकी चली जाएगी। अल्कोहल जो है इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, अगर अल्कोहल कोई व्यक्ति पी रहा है तो उसका सिम्टम्स कौन कौन से हैं। पहला है ट्रिमर हैंड्स, टोंग और आईलिड लेटर, मतलब हाथ कांपेंगे
और मतलब जीभ भी कांपेंगे, उसके अलावा जो आईलिड है बाद में क्या हो गया बंद हो जाएंगे, उसके बाद से नौजिया भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, वीकनेस हो जाएगा, पल्स बढ़ जाएंगे, पसीना भी आएगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, चिंता भी कभी कभी बढ़ जाती है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है और बाद में क्या होता है कि हेडेक होने लगता है और बाद में नींद भी नहीं लगती है, उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और क्या हो जाता है जो बात करें इसमें तो फैमिली काउंसलिंग भी नहीं कर पाती है और ना वो फैमिली को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है,